बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उस सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख में वह हमेशा चिंतित रहता था। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। वह अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखता है। ऐसे में एक दिन उसके घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ। सेठ पुत्र के जन्म पर बहुत प्रसन्न था। उसने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई और उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं छोड़ी। देखते ही देखते उसका पुत्र बड़ा हो गया। फिर सेठ ने उस पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय किया ताकि वो पढ़ लिख कर एक विद्वान बन सके। अभी उसके पुत्र की ज़्यादा उम्र नहीं हुई थी, लेकिन उसने छोटी सी उम्र में अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया था। गुरुकुल में वह बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता और अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता। ऐसे में वह बालक धीरे धीरे वहाँ का सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया। गुरुकुल में उस बालक ने सारे वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय कब बदल जाए किसी को भी पता नहीं होता। ऐसे में एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तब उस बालक की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। जब उस बालक ने इस खबर को सुना कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो उस बालक का इस सांसारिक मोह से मन उठ गया। उसके बाद उस बालक ने निश्चय किया कि वह गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत करेगा। फिर जब उस बालक की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उसके बाद वह बालक सन्यासी बन गया और वह सांसारिक वस्तुओं से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। जंगल में जाकर उसने वहाँ लंबे समय तक तपस्या की। तपस्या पूर्ण करने के बाद उस सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना आरंभ कर दिया। समय के साथ साथ उस सन्यासी की चर्चा चारों तरफ होने लगी और दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने आने लगे और बहुत से लोग उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आने लगे। सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं बड़ी आसानी से सुलझा देता, जिस वजह से वह पूरे राज्य में मशहूर हो गया। लेकिन जिस नगर में वो रहता था उस नगर का राजा एक क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को उस सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने उस सन्यासी से मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह को राजा अपने महल से निकलकर उस सन्यासी से मिलने के लिए निकल गया और फिर वो उसकी कुटिया पर जा पहुंचा। जब राजा ने उस सन्यासी को देखा तो वह देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वह सन्यासी के पास पहुंचा तो उसे बड़ी अपार शांति का अनुभव हुआ। उस राजा ने उस सन्यासी को प्रणाम किया और उसके पास बैठ गया और उससे वार्तालाप करने लगा। वो राजा पहली ही मुलाकात में उस सन्यासी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय से अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली और मन ही मन सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में यह सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो अगर यह हमेशा मेरे साथ ही रहने लगे तो मेरी तो ज़िंदगी बदल जाएगी। और यही सोचकर राजा सन्यासी से अपने महल चलने के लिए आग्रह करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाया और वो राजमहल चलने को तैयार हो गया। फिर राजा सन्यासी को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचकर राजा ने सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया और उसके बाद राजा ने सन्यासी को एक सही कमरे में भोजन करवाया। भोजन के पश्चात सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनकर राजा ने कहा कि आप हमारे बाग में जब तक चाहें जब तक रह सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी और आप यहाँ रहेंगे तो हमारी प्रजा को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने सेवकों से कहा कि सन्यासी महाराज के लिए बगीचे में रहने का, खाने का और वस्त्र आदि का प्रबंध किया जाए। राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दिया। उसके बाद वह सन्यासी उस कुटिया में रहने लगा। सन्यासी को उस कुटिया में रहते रहते कई साल बीत गए और इस दौरान राजा ने उनकी खूब सेवा की। परंतु कई साल बाद एक दिन राजा और रानी को आवश्यक कार्य के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने
एक सेवादार को सन्यासी की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया, परंतु वह सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया और फिर लौटकर वापस नहीं आया। तो सन्यासी ने क्रोध में आकर उस राजा को खूब सुनाया। राजा से कहा कि राजन, जो जिम्मेदारी तुम पूरी नहीं कर सकते तो वह उठाते ही क्यों हो। तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे भगवान, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए और अपना क्रोध शांत कीजिए और मुझे बताइए कि आखिर हुआ क्या है। यह सुनकर उस सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ पर किसी ने भोजन नहीं दिया और मैं बहुत दिनों तक भूखा ही रहा। मुझे यहाँ आकर किसी ने पूछा तक नहीं कि मैं किस हाल में हूँ। यह सुनकर राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और कहा कि भगवान, आज के बाद ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। फिर कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। जब राजा और सन्यासी के बीच वार्तालाप हो रहा था तो रानी भी यह सब वार्तालाप चुपके से सुन रही थी, सब कुछ देख रही थी। उसके बाद राजा ने उस सन्यासी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। परंतु कुछ दिन बाद राजा को फिर किसी आवश्यक कार्य से अपने जैसे बाहर जाने से पहले अपनी रानी को कहा कि जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक आप स्वयं सन्यासी की देखभाल करोगी। यह सुनकर रानी ने कहा कि जी महाराज, आप निश्चित होकर जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से देखभाल करूंगी। उसके बाद रानी हर रोज भोजन बनाकर सन्यासी महाराज को भेज देती थी। लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफ़ी देर तक भोजन का इंतजार किया, लेकिन जब भोजन नहीं आया तो सन्यासी सोच में पड़ गया कि आज खाना क्यों नहीं आया। उसके बाद सन्यासी ने सोचा कि वह खुद महल में जाकर देखेगा कि आखिर अब तक खाना क्यों नहीं आया, और फिर वह महल में पहुंच गया। जब वह महल के अंदर पहुंचा तो वहां उसकी नज़र रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे घने काले केस जो कि उसकी कमर पर लहरा रहे थे, उसकी कजरारी आंखें जो देखने मात्र से ही घायल कर दे, उसकी हिरनी जैसी चाल, रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई और वह वहाँ से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में लौट आया। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भुला न सका और वह खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिस वजह से वह बहुत कमज़ोर हो गया। फिर कुछ दिन बाद राजा वापस लौटे और जब उसे सन्यासी की हालत का पता चला तो वह सीधे सन्यासी के पास पहुँचे और बोले कि हे भगवान, क्या बात है, आपको क्या हो गया है और आप इतने कमज़ोर कैसे हो गए हैं? कौन सी चिंता है और आप किस गहरी सोच में डूबे हुए हैं? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? तब सन्यासी ने कहा कि नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। यह सुनकर राजा ने कहा कि तो फिर क्या बात है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी जरूर दूर करूँगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर उनकी सुंदरता के फेर में पड़ गया हूँ और अब मैं रानी के बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उस सन्यासी से कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। यह सुनकर सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए और जब राजा और सन्यासी महल पहुँचे तो उस दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और गहने पहने हुए थे। फिर राजा रानी के पास पहुँचे और राजा ने रानी से कहा कि कोई सन्यासी की मदद करनी चाहिए, यह बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे। उसके बाद राजा ने रानी से पूछा कि आप यह पाप अपने सर पर लेना चाहती हैं? राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर इन सन्यासी के इस दुख का कारण क्या है। तो राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा कि राजन, आप चिंता मत करिए, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। उससे आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही उससे मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी
रानी को लेकर कुटिया पर पहुंचे। रानी ने सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। यह सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से जाकर बोला कि हे राजन, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उनके लिए घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुँचे। जब रानी सन्यासी के साथ उस घर में पहुँची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि यह घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत ख़राब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर सन्यासी फिर से राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला कि हे राजन, जो आपने हमें घर दिया है उस घर की हालत बहुत ख़राब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उस घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद फिर रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। फिर सन्यासी भी बिस्तर पर आ गए। फिर उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा कि आपको पता है कि आप कौन हो और आप क्या बन गए हैं। आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा स्वयं सारी ज़रूरतों की वस्तुएं उपलब्ध करते थे, जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने आते थे, जो लोगों को सत्य की राह दिखाया करते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिनको सभी लोग एक गुरु मानते थे, जिनकी सब भगवान के रूप में पूजा किया करते थे, और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। रानी की यह बात सुनकर उस सन्यासी को एक झटका लगा और उसे महसूस हुआ कि वह तो एक सन्यासी है और वह यह सब क्या कर रहा है। वह तो यह सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया। जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा कि मुझे माफ़ कीजिए महारानी, मैं यह क्या करने जा रहा था, मैं अभी आपको राजा को सौंप कर आता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने फिर से प्रश्न किया कि महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है। फिर रानी ने कहा कि जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए, तब मैंने आपका ये रूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही हूँ, ऐसा क्यों हुआ महाराज, आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तब मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के मुँह में फंस गया और मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर मुझे इसको पाने का लालच उत्पन्न हो गया और जब मुझे यह नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर सन्यासी ने कहा कि महाराज, सच तो यह है कि अगर इच्छा पूरी नहीं हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, अगर इच्छा पूरी हो गई तो लालच बढ़ जाता है। फिर सन्यासी ने रानी से कहा कि यह इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक लेकर आई है और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वो सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और बोला कि राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपने गलती का एहसास हो गया है, यह लो आपकी रानी, मुझे यह सब नहीं चाहिए, मैं अपनी इच्छा के वशीभूत होकर यह गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। उसके बाद उस सन्यासी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य की बर्बादी के कारण उसकी चार आदतें बनती हैं और दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर यह चार अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण कर लेता है वह दुख और परेशानी से बच जाता है, वहीं जो व्यक्ति इन चारों आदतों पर नियंत्रण नहीं कर पाता वो बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाता है। यह सुनकर राजा ने कहा कि महाराज, आप मुझे वो चार आदतें बताइए जिससे कि मनुष्य की बर्बादी होती है। फिर सन्यासी ने राजा को मनुष्य को बर्बाद करने वाली आदतों के बारे में बताया कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया की हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहला अवगुण है और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरी की ओर बढ़ने लगता है और दूसरी पूरी होती है तो तीसरी इच्छा उसके मन में जागृत हो जाती है और फिर ऐसे करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण न
ना होने के कारण इसी जाल में उलझा रहता है, दुखी रहता है। इसलिए राजन, जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हम हमारे मन पर भी नियंत्रण कर लेते हैं, और जब हमारा मन हमारे बस में होता है तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है, वासना के वसीभूत होकर मनुष्य को कुछ भी नज़र नहीं आता। आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उनका सबसे बड़ा कारण है स्त्री को पाने की इच्छा। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए हैं। रावण संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता सीता की सुंदरता के फेर में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। कई राजा महाराजा तो युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वो लोग स्त्रियों से रासलीला रचाने में लगे हुए थे। ईश्वर ने स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपनी वासनाओं का शिकार बना लिया है, अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं। और जब उन्हें अपना यह मनोरंजन नहीं मिलता है तो वो पागल हो जाते हैं और ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसलिए हे राजन, जितना हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध, क्योंकि जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उस पर उसका नियंत्रण नहीं रहता और फिर वो क्रोध में आकर कई गलत निर्णय ले लेता है, दूसरों को भला बुरा कह देता है, गालियाँ निकाल देता है, और जब उनका क्रोध शांत होता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो वो अंदर से बहुत कमज़ोर हो जाता है, और एक कमज़ोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन्न करता है, और अगर एक बार तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर सन्यासी कहता है कि राजा, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। राजन, लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच में पड़कर हम बहुत से लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी ऐसे अवसर आते हैं जब वह लालच कर बैठता है, और अधिक पाने की लालच में वह कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे जो उसके पास था वह उसे भी गवा देता है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की इच्छा पूरी होती है उसका लालच बढ़ जाता है और उसके मन में और लालच जन्म लेने लगता है। जो व्यक्ति लालच करता है वह कामयाबी से कोसों दूर रहता है, क्योंकि एक ना एक दिन लालच का दुष्परिणाम सामने आता ही है। अगर हम समय रहते ही लालच को त्याग दें तो और उसके फेर में ना पड़ें तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं। फिर अंत में सन्यासी राजा से कहता है कि हे राजन, अगर मनुष्य चारों आदतों को छोड़ देता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो इन आदतों को नहीं छोड़ता है उसे जीवन में बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं एक सन्यासी होकर इसके फेर में पड़ गया था तो सामान्य मनुष्य तो इससे बच नहीं सकता। इसीलिए हे राजन, मनुष्य को इन आदतों से हमेशा बचना चाहिए।